मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम अगेन दोस्तों। वेलकम बैक टू आपके अपने देसी व्लॉगिंग चैनल शुभरत व्लॉग्स एंड टॉक्स में। तो दोस्तों, ये हमारा थर्ड डे एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद ये हमारा फाइनल डे भी होगा चितकुल की, जो हमारी मतलब डेस्टिनेशन थी। बीच में रेकोंग बिया वगैरह, कल्पा वगैरह जो हमने एक्सप्लोर करनी थी। आप लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हमने चितकुल में होम स्टे हमें मिल गया था, बड़े अफोर्डेबल प्राइजेस में होम स्टे मिल गया था। मतलब कि हम वहाँ पे रात को मतलब कि रेस्ट करने तो रुके, पर रात को क्या हुआ, हमारे ना चुल मची थोड़ी सी। तो हमने ना मतलब कि अमेजोन प्राइम पे ना हम देखने लग गए हॉरर मूवीज। हॉरर मूवीज देखते देखते जैसे ही हमने हॉरर मूवी स्टार्ट की और जैसे ही वहाँ पे भूत की एंट्री होती है तो वहाँ पर मतलब बाहर कुत्ते भौंकने लग गए, और वो कुत्ते तब तक नहीं चुप हुए जब तक कि मतलब हमने मतलब मूवी नहीं बंद कर दी। अलार्म बजने से पहले मैं ऑलरेडी उठ गया। यहाँ पर सूरज जल्दी मतलब उग जाते हैं, सूरज सनराइज जल्दी हो जाता है, इसलिए आपको लग रहा होगा, बट अभी सिर्फ 6 ही बजे हैं यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक मेरे बाकी टीममेट्स सो रहे हैं मैं मतलब कि एक्सप्लोर करके आता हूँ, मतलब थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और देखते हैं मार्केट में चाय वगैरह भी पी लेंगे इसी में आने, है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे जाके मतलब कि आपको दिखाता हूँ, मैं मतलब कि वॉक करके जा रहा हूँ। पीछे तो मार्केट रहेगी, बीच में हमारी होम स्टे, और आगे मैं काफ़ी आगे तक जाके देख रहा हूँ, और कुछ अगर अच्छे व्यूज़ वगैरह आते तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो मतलब ये देखिए, ये जो पहाड़ इतने सुंदर लग रहे हैं ना, ये सामने वहाँ पे बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ पे बर्फ दिख रही होगी, वहाँ पर बर्फ दिख रही होगी, वहाँ पे बर्फ दिख रही होगी, और ये जो पहाड़ है ये लद्दाख वाले पहाड़ लग रहे हैं। मतलब अब मुझे इतनी ज़्यादा ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं है, बट हाँ यहाँ पर पहाड़ वगैरह अच्छे हैं, यहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, और ये छोटी छोटी गलियाँ तो मुझे वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं, मतलब कि अपने गाँव का टेस्ट आता है। बाकी देखते हैं आगे जाके, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ क्या क्या हम वहाँ पर आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड लिटरली बताऊँ दोस्तों, कैमरे में ये चीज़ें रिकॉर्ड हो पा रही कि नहीं, बट इतने ज़्यादा सुंदर पहाड़ में मतलब मैंने लाइफ में शायद पहली बार देखे, आफ्टर मनाली, मनाली के बाद मैंने इतने सुंदर पहाड़ नहीं देखे अभी तक। तो दोस्तों, जो रात को मैं आपको टेंपल दिखा रहा था ना, जो मतलब कि चितकुल की काफ़ी मेन मेन पॉइंट्स हो, जो मतलब कि टूरिस्ट प्लेसेस और रिलीजियस प्लेसेस, उसमें से एक है जो मठी टेंपल, जो मैंने रात को कहा था जिसमें मतलब कि बलि दे रहे थे, ये मठू टेंपल है। अब इसके अंदर हम आपको लेके चलते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है मठू टेंपल अंदर से, पता नहीं वीडियो वगैरह की परमिशन होगी हमें कि नहीं, बाकी चलो लेट्स सी। तो दोस्तों, एंट्री करते हुए फिर हम यहाँ तक आते हैं, ये मतलब मठी टेंपल की मेन एंट्रेंस है, जो कि अभी लॉक लगी हुई है, पता नहीं क्यों, माइट भी कुछ रिपेयर वगैरह के लिए होगी। एंड इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ, इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द से जो मठी है वो यहाँ की देवी हैं, लोकल यहाँ की, कहते हैं कि उन्होंने अपनी जो यात्रा थी वो वृंदावन और मथुरा से स्टार्ट की और तिब्बत तक यहाँ तक पहुँचे थे। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये सारी जो मतलब कि ये लकड़ है, ये कहते हैं वॉलनट वुड है, एंड इसको 500 साल हो चुके हैं, मोर देन 5 सेंचुरीज ये मतलब पुराना इतना बिल्ट है। एंड ये जो वॉलनट वुड है इसको अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, ना पानी से कोई दिक्कत है, ना मौसम से, ना कोई दीमक वगैरह लगा। मतलब देखा जाए तो हमारे इंडिया के, हमारे भारत देश के जो मतलब कि आर्किटेक्चर थे पुरानी, इतने अच्छे सुंदर डिज़ाइन बनाते थे, वो कितने मतलब ज़्यादा डेवलप्ड थे तब, और आज बिना मशीनों के ये सब आई गेस आई डोंट थिंक कि ऐसे मतलब कि डिज़ाइन वगैरह बन पाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये आपको क्लोजली करके दिखाता हूं, ये देखिए, अगर आप क्लोजली देखें ना ये डिज़ाइंस वगैरह, बिना मशीनों के आज के टाइम में तो पॉसिबल नहीं है, बट उस टाइम पे देख लीजिए आप टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा थी। अभी ये मंदिर बंद है तो हम बाहर से ही माथा टेक के चलते हैं आगे की तरफ। जो हमारे सरदार जी हैं पंचकुला चंडीगढ़ से ही हैं, हमारे दोस्त बन गए थे। अच्छा, हूँ इदा करेंगे, चल आ, चंगा मिलते हैं फिर, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी हम कमरू फोर्ट और कमरू टेंपल की तरफ आए थे, एंड रास्ता काफ़ी टफ है यार यहाँ पे ना, मतलब अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर है तब तो आप आ सकते हैं, और मेरी एडवाइस है चितकुल तक आते हैं या बाकी किसी ऐसी जगह पर जाते हैं तो 2 ड्राइवर तो आपके साथ मस्ट होने चाहिए, ड्राइविंग थोड़ी टफ है यहाँ पर। और अभी जब हम कमरू नाक की तरफ ऊपर आए ना, मतलब कि गाड़ी वाले रास्ते से ऊपर आए, फिर थोड़ा सा पैदल चले 100 मीटर, हमें आते हैं ना ऊपर, यहाँ पर पहाड़ दिखे, मैं आपको दिखाता हूँ वो जो पहाड़ है, मैं जूम करके कोशिश करता हूँ दिखाने की। वो देखिए दोस्तों, यार इतने ज़्यादा सुंदर पहाड़ लग रहे हैं ना, मतलब मैं आंखों से देख पा रहा हूँ तो मतलब ऐसा लग रहा है ना काश हम वहाँ पर कभी जा पाते। हमारी तो ट्रैकिंग है, इस पहाड़ों में ट्रैकिंग करते बस हो जाती, वो तो क्लाइंबिंग वाले पहाड़ है। फिर बड़ा सुंदर नज़ारा है यार। अभी हम ये जो कमरू टेम्पल है इधर अंदर जा रहे हैं, एंड ये उसका एंट्री गेट है,
और ये कुछ हमारे आशिक जी स्ट्रीक पे कहते हैं मैंने व्लॉगर बनना है स्नैपचैट पे। एंड जो सुबह आपको मैंने दिखाया था मंदिर छितकुल में, सेम वैसा ही आर्किटेक्चर है, सेम वैसे ही डिज़ाइन है जो यहाँ की कला करती है। जो आर्किटेक्चर पहले था इंडिया में, हमारे भारत देश में, वैसा आर्किटेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन इतने साल पहले मशीनों, बिना मशीनों के बनाना, हाथों से, और ये डिज़ाइन देख। ऑलमोस्ट सारे ही मंदिर अभी हमें क्लोज मिल रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी चीज़ें हो सके कैप्चर करें और आप तक पहुँचाएँ। आज तक हमने जो देखा था घर में, हमारी मम्मी या बहनें या हम भी कभी कपड़े धोते थे तो वॉशिंग मशीन में धोते थे, पर आज हमने यहाँ पर क्या कहते हैं कि देसी वो देखा है कपड़े धोने का तरीका। फ्रेश वाटर आ रहा है ऊपर से, और यहाँ पर ये देखो छोटे छोटे इन्होंने ना अपने मतलब साइड वो टब या कुछ भी जो कहते हैं इनको बनाए हुए हैं, एंड यहीं पे कपड़े धो रहे हैं। एंड फ्रेश वाटर है, कुछ ज़्यादा मतलब सर्फ वगैरह यूज़ नहीं करेंगे तो वेस्ट भी नहीं होता, गंदा पानी भी नहीं होता। मैं वैसे अपने मतलब कि जो होते थे ना क्या कहते हैं यार एक वर्ड होता है ठंडा पानी निकलता है जिसमें से ऑटोमेटिकली हिमाचल में, काफ़ी साल पहले जब मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करता था हिमाचल में बड़ा घूमा यार तब भी, तो मेरे फ्रेंड वगैरह के घर में वहाँ पे ना आया हूँ, बोली हाँ बोली कहते हैं वहाँ पे नेचुरल फ्रेश वाटर आता है ना, तो बड़ा ही ठंडा था यार वहाँ पर भी ना आया। मतलब हर चीज़ मैंने तब की है, बट थोड़ा लेट हो गया मैं इन चीज़ों में ना मतलब व्लॉग वगैरह बनाने में। कि घर वापसी करने लगे थे, हमारा थर्ड डे ट्रिप का आपको पहले ही बताती है, तो हम रेकोंग पियो की तरफ आ गए थे। रेकोंग पियो में अभी कुछ इतना खास है नहीं, मतलब कि चीज़ें काफ़ी हैं एक्सप्लोर करने में, एन में वगैरह कुछ खास नहीं है, बट अभी इतनी हिम्मत नहीं है। दो दिन से मैं ड्राइव कर रहा हूँ लगातार और सब कुछ करके इतनी हिम्मत भी नहीं बची, बट आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर कल्पा विलेज, अब शायद हम ना जा पाए क्योंकि हिम्मत नहीं है मेरी सीरियसली अपना वहाँ जाने की। तो आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ से ना कैलाश पर्वत साफ दिखता है, मुझे ये नहीं पता कि यहाँ से कैलाश पर्वत कौन से हैं, मतलब यहाँ पर ना दो तीन पहाड़ दिख रहे हैं, अब उनमें से ही कोई कैलाश पर्वत है। किन्नौर कैलाश करके ना एक जगह है, बड़ी फेमस जगह है वहाँ। अब मैं आपको पूरे तीन पहाड़ दिखाता हूँ, अब इनमें से जब मुझे एग्जैक्ट नॉलेज होगी मैं फिर वीडियो में एडिट करके वहाँ पे लिख दूंगा। ये देखो ये हमारा जो इधर से हम देख रहे हैं फर्स्ट पहाड़ दिख रहा है, पूरा बर्फ़ से कवर्ड है, साथ में बादल भी दिख रहे हैं। सेकेंड पहाड़ हो गए इधर, एंड ये थर्ड पहाड़ दिख रहे हैं हमें। तो अभी इनमें से मुझे एग्जैक्ट कुछ आइडिया नहीं है। दोस्तों अभी हम मतलब कि वापसी की तरफ जा रहे थे, हम रामपुर जो सिटी है ना वो क्रॉस करके गए, और फर्स्ट टाइम जब मैं आया था मनाली की तरफ इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही थी मुझे लग रहा था मनाली के पहाड़ी इन्होंने काटे हैं, बट अभी अगर आपको मतलब ये जो अभी मैंने आपको दिखाई है कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, जो पहाड़ी है काट रहे हैं, ये सब पहले मैंने सोचा था मनाली में ही हो रही है सारी चीज़ें, बट अभी चितकुल वाले, रामपुर वाले, शिमले वाले हाईवेज में भी यही सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये चीज़ें ना ऐसी तरक्की हमें तो नहीं चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ पंजाब, लाइक कह सकते हैं हम हिमाचल में एक्सप्लोर करने आते हैं, नेचुरल ब्यूटी देखने आते हैं, कोई बात नहीं हम एक घंटा डेढ़ घंटा लेट भी हो जाएंगे, पर ऐसी पहाड़ों के साथ नेचर के साथ छेड़छाड़ करना हमें नहीं चाहिए। इवन मुझे क्या मेरे साथ जो बैठे हैं इनको भी नहीं चाहिए, और जो ट्रैवलर आते हैं जो एक्सप्लोर करने आते हैं हिमाचल की ब्यूटी को, वो भी नहीं चाहते कि ये सब चीज़ें हों। नेचर को छेड़छाड़ करके, कुदरत को छेड़ के अगर आपको तरक्की चाहिए इंसान को तो आप ले सकते हैं, बट हमें तो नहीं चाहिए। आई होप ये मैसेज आप सब तक पहुँचे एंड आप सब भी शेयर करें।